इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। और क्यों आने वाला है? क्योंकि ये चैप्टर लगता मुश्किल है पर असल में उतना मुश्किल है नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हॉर्मोन्स। देखो जो जो एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है पूरा मैं कॉपी पेस्ट उसको करता चलूँगा, है ना, और उसी हिसाब से क्वेश्चन बना बना के ही आपको याद करवाता चलूँगा। सबसे पहले है हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हॉर्मोन्स में अपने को तीन ही पॉइंट याद रखने, आप एनसीईआरटी चेक करते रहो साथ में, है ना। तीन ही पॉइंट याद रखने कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं। कैसे केमिकल्स? नॉन न्यूट्रिएंट, याद रखना। हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं। कैसे? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ठीक है। और दूसरी बात हॉर्मोन्स के बारे में क्या याद रखनी है कि हॉर्मोन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं और हॉर्मोन्स ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं ना, छोटी बहुत कम अमाउंट में, है ना। तीन पॉइंट हमने यहां हॉर्मोन के बारे में याद रखने कि हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं और क्या है, ट्रेस अमाउंट में क्या सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ये दो चीज़ों से मिलके बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस क्या, हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स या टिश्यू, ठीक है। देखो कुल मिला के अपने को क्या चाहिए, हॉर्मोन चाहिए। तो हॉर्मोन दो जगह से आ सकता है, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा या सेल्स या टिश्यू भी कुछ बॉडी में ऐसी होती हैं जो हॉर्मोन रिलीज करती हैं। तो ये मिलजुल के अपना क्या बना देंगे, एंडोक्राइन सिस्टम बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये बॉडी कन्फ्यूजन रहती है, ये अपना क्लियर नहीं होता। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हो ना तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो ये पूरा डब्बा क्या है, ये पूरा बॉक्स है डाइसेंफेलोन। ये रेड कलर का जो बॉक्स है ये है अपना डाइसेंफेलोन, ठीक है। अब डाइसेंफेलोन में क्या क्या होता है, देखो बीच में है थैलेमस, बीच में है थैलेमस। अब थैलेमस से ऊपर क्या होगा, एपी, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। थैलेमस के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगी वो हो जाएगी एपिथैलेमस मतलब ऊपर, थैलेमस के ऊपर। थैलेमस से नीचे जो होगी हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, तो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हमें थोड़ा हाइपोथैलेमस के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी फ्लो में मैंने ये तैयार किया, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हम फिर से एक बार इसको करेंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं और ये न्यूक्लियाई ही क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स वो दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटिंग, ठीक है। हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस वाले दो टाइप के हैं, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटिंग। देखो नाम से ही पता लग रहा है, रिलीजिंग मतलब ये स्टिमुलेट करेंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को, और इनहिबिटिंग मतलब इनहिबिट करेंगे, रोक लगाएंगे किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन पे। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स किसके ऊपर काम कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। या तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को बढ़ाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे, वो हो जाएंगे रिलीजिंग हार्मोन, या उनकी सिक्रीशंस को ये इनहिबिट करेंगे तो हो जाएंगे इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजन होती है, ये अपनी कंफ्यूजन दूर रखनी है। देखो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का ये क्या है, कनेक्शन है एक तरीके से। देखो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो पोर्टल सर्कुलेशन, वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट में होती हैं, और हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो डायरेक्ट कनेक्शन में है, डायरेक्ट कनेक्शन में, ठीक है। ये याद रखेंगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ी हुई हैं, और हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाइपोथैलेमस अपना हो चुका है, अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट में डिवाइड कर दो सिंपली, कौन सा, एडीनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एडीनो हाइपोफिसिस एक न्यूरो हाइपोफिसिस। अब एडीनो हाइपोफिसिस को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्स डिस्टेलिस एक पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफिसिस का दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। अब जो ये पार्स डिस्टेलिस है
इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और पार्स नर्वोसा को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एक बार इसको फिर से करेंगे, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है ना, सेला टर्सिका रीजन में होते हैं, सेला टर्सिका रीजन में होता है, सेला टर्सिका याद रखना, सेला टर्सिका मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एडीनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। अब एडीनो हाइपोफिसिस जो है वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो गया, पार्स डिस्टेलिस जिसको हमने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफिसिस का ही दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा, ठीक है, पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा को ही हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बिल्कुल क्लियर रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे हम एक बात याद रखेंगे कि जो पार्स इंटरमीडिया है ना, पार्स इंटरमीडिया हम ह्यूमंस के अंदर ये पार्स इंटरमीडिया लगभग इसके साथ एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टेलिस के साथ क्या है, मर्ज हो चुका है ना, इसी के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। ये हमने कर ली, ये कर लिया। अब हम इनके हार्मोन देखेंगे कि पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन है, पार्स इंटरमीडिया के कौन से हार्मोन है और पार्स नर्वोसा के कौन से हार्मोन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्मोन्स की। देखो पार्स डिस्टेलिस यानी क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और यह क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यह है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। GH प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH और FSH, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया के कौन से हार्मोन, ये MSH। ये अभी डिटेल में करेंगे कौन सा हार्मोन क्या क्या करता है ना, अभी टेंशन मत लो, ये बस मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया का क्या, MSH, और पार्स नर्वोसा के दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बट अब NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो है वो एक्चुअली कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को एक्चुअल में कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। बस ये यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इसमें स्टोर हो जाते हैं, तो रिलीज कौन करेगा, पार्स नर्वोसा। ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको हम याद रखेंगे कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन की फॉर्मेशन कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, है ना। वहाँ से हाइपोथैलेमस में ऐसे आके ये हार्मोन क्या है, इसमें क्या हो जाएंगे, एक तरीके से स्टोर हो जाएंगे, और स्टोर हो जाएंगे तो सिक्रीट कौन करेगा, ये वाला करेगा ना, बनाएगा वो, और यहाँ से एक तरीके से स्टोर है, बस यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एक हार्मोन पे बात कर लेते हैं ना, एक एक हार्मोन पे बात कर लेते हैं। अब देखो ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, देखो ग्रोथ हार्मोन की जब सिक्रीशन कम होगी उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोसिक्रीशन, और ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब हाइपर सिक्रीशन। अब ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होती है तो कौन सी डिजीज होती है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। देखो ड्वार्फ क्या होता है, बोना, ड्वार्फ मतलब छोटा बोना, है ना, ड्वार्फिज्म। और हाइपर की जब होती है तो दो टाइप की डिजीज हो सकती है, एक गिगेंटिज्म, एक एक्रोमेगली, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या, देखो अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर यानी ज्यादा सिक्रीशन चाइल्ड मतलब बचपन में हो या टीनेज में हो तो क्या हो जाएगा, जिजेंटिज्म हो जाएगा, और एडल्ट मतलब बड़ा होने के बाद हो तो एक्रोमिगेली। अब फर्क क्या, देखो चाइल्ड है, टीनेज है, मतलब उसकी बोन्स की, उसकी हड्डियों की भी साथ में ग्रोथ होगी, बट एक्रोमिगेली में क्या है, बोन्स जो है वो लॉक हो चुकी है, बोन्स की अब ग्रोथ नहीं होगी, है ना, बाकी बॉडी की ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो ये है अपना ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में एक और बात हम याद रखें, अब ग्रोथ हार्मोन में हम एक और बात याद रखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है कौन, एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, NCERT में लिखा हुआ है। अब देखो फीमेल के अंदर LH का फंक्शन क्या होता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटम। देखो ये टेंशन मत लो, LH FSH फीमेल में क्या, फीमेल में क्या, ये सब अपना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से कवर होगा, बट यहाँ पे जितना दिया उतना थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और FSH का फंक्शन फीमेल में क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है क्या करेगा, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेट, है ना, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब देखो मेल के अंदर LH क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। देखो ये वैसे क्लियरली अपना कवर होगा कहाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर हो जाएगा, पर यहाँ पे भी थोड़ा कर लेते हैं जितना दिया हुआ है। और मेल में FSH क्या करता है, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के किसके साथ, एंड्रोजन्स के साथ, ठीक है। एंड्रोजन्स भी क्या कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके साथ मिलकर कौन, FSH भी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब एक हार्मोन आता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स
द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरोइडल हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखो नाम में ही आ रहा है कोर्टिको, है ना, कोर्टिकोइड हार्मोन को मेनली क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को क्या करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, है ना, उनको बढ़ावा देगा कुल मिला के। एक हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, सबको पता है कहाँ पे काम करेगा, मेमरी ग्लैंड्स में काम करेगा ना, मिल्क सिक्रीशन में, मिल्क फॉर्मेशन में ये काम आता है, रेगुलेट्स दी ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन देम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, इसका सिंपल सा फंक्शन क्या है, कंजर्व वाटर। ये इसमें याद रखना है कि वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है, वाटर को अपने को क्या करना है, बॉडी में कंजर्व करना है। और कैसे करना है, ये सिंपली कहां पे काम करेगा, DCT पे काम करेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करेगा, और वहां पे क्या करेगा, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या कराएगा, रीअब्सॉर्प्शन कराएगा। देखो सिंपल सी बात है, मान लो हमारे अंदर, मेरे अंदर पानी की कमी हो रही है, तो मेरे अंदर क्या होगा, वैसोप्रेसिन रिलीज होगा, और वो कहां काम करेगा, DCT पे काम करेगा, और DCT पे वो पानी को रीअब्सॉर्ब करा लेगा, और सॉल्ट्स को यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वो रीअब्सॉर्ब करा लेगा, है ना। जितना ज्यादा सॉल्ट हम रीअब्सॉर्ब करेंगे उसके पीछे पीछे क्या आएगा, पानी आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो वैसोप्रेसिन के बारे में हमने देखा कि ये क्या कराएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, मतलब क्या है, अपने शरीर में पानी को बना के रखेगा। ठीक है, पर अगर मैं बोल दूं आपको कि ADH यानी वैसोप्रेसिन के साथ अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए, तो क्या होगा, बॉडी में पानी कंजर्व होना क्या है, बंद हो जाएगा, है ना, वाटर लॉस होगा, पानी में, पानी की बॉडी में कमी हो जाएगी, और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, और इसकी गड़बड़ी होगी तो पानी बॉडी में नहीं रुकेगा, मतलब वाटर लॉस ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी अपना यार रिप्रोडक्शन में ही कवर होगा, पर यहां पे जितना दिया हुआ है उतना कर लेते हैं ना, वैसे इसमें कुछ नहीं याद रखना, आपको सिंपली याद रखना है ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, और ये कहां कहां काम आएगी, अब ये कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल की कहां काम आएगी, देखो जब बच्चा पैदा होता है, पार्चुरेशन होती है ना, तो क्या है, जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। और कहा है, मिल्क इजेक्शन, है ना, मेमरी ग्लैंड से जब मिल्क बाहर आएगा, जो इजेक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से। देखो मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन में कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा है प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन में कौन सा है अपना ऑक्सीटोसिन। ये अपने को चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं MSH हार्मोन। MSH ये क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये किस पे एक्ट करेगा, मिलेनोसाइट्स पे एक्ट करेगा। जो MSH हार्मोन है वो मिलेनोसाइट्स पे एक्ट करेगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये मिलेनोसाइट्स क्या होती हैं, तो मिलेनोसाइट्स होती हैं सिंपली मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स। मिलेनोसाइट्स होती हैं मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, और यहां क्या रेगुलेट होगा, रेगुलेट पिगमेंट ऑफ स्किन। सिंपल सी बात है, जहां पे मिलेनिन आ जाए ना, मतलब क्या है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन का वहां रिलेशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ग्लैंड्स के ऊपर, है ना। सबसे पहले हम कर रहे हैं कौन सा, थायरॉइड ग्लैंड। सबसे पहले हम कर रहे हैं कौन सा, थायरॉइड ग्लैंड। देखो थायरॉइड ग्लैंड जो एक एक वर्ड मैं बोलूंगा ना पूरा उसी से आपका ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से करते। देखो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर दो लोब होते हैं, दो लोब, ठीक है, ये एक लोब है और एक ये लोब है। ठीक है, और ये एक ऐसे डंडी सी से जुड़े हुए हैं, और डंडी का नाम है जिससे जुड़े हुए हैं उसका क्या नाम है, इस्थमस है। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड में दो लोब हैं जो इस्थमस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो थायरॉइड ग्लैंड में होता क्या है, थायरॉइड ग्लैंड में क्या होता है, देखो थायरॉइड ग्लैंड में स्ट्रोमल टिश्यू होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है, और क्या, फॉलिक्यूलर सेल होती है। देखो ये ब्लैक कलर का जो है ना, ये क्या है अपना स्ट्रोमल टिश्यू, और ये क्या है ब्लू कलर वाली, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। अब ये फॉलिक्यूलर सेल क्या करेंगी, फॉलिकल को अंदर सिक्रीट करेंगी। ठीक है, ये फॉलिक्यूलर सेल अंदर क्या बनाएंगी, फॉलिकल्स बनाएंगी, फॉलिकल्स। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये ब्लैक वाला अपना क्या है, जो बीच में एक तरीके से ग्राउंड मटेरियल है, ये क्या है स्ट्रोमल टिश्यू, और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर ये फुटबॉल्स जो पड़ी हैं, ये क्या है अपनी फॉलिकुलर सेल्स हैं। देखो ये फॉलिकुलर सेल ऐसे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल अंदर क्या बना रही हैं, ये रेड कलर वाला क्या बना रही है अंदर छोटे छोटे, ये फॉलिकल्स बना रही हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या करेंगे, ये थायरॉयड के हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेंगे, कौन से हॉर्मोन, T3 हॉर्मोन, T4 हॉर्मोन। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, NCERT में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया कि स्ट्रोमल टिश्यू एक तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस है, और उस ग्राउंड सब्सटेंस
में फुटबॉल जैसी पड़ी हैं जो है फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल। अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है, क्या बना रही हैं, फॉलिकल्स बना रही हैं। और ये फॉलिकल्स क्या बना रहे हैं अंदर, अब ये T3 T4 मतलब थायरॉयड के हॉर्मोन बना रही हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि T3 T4 इनकी फॉर्मेशन के लिए अपने को आयोडीन चाहिए, और ये बात सबको पता भी होगा कि थायरॉयड का लेना देना आयोडीन के साथ होता है, ठीक है। अब देखो थायराइड के रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको कैसे याद करें, सिंपल सी ट्रिक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हाइपो की अपन याद कर लेते हैं, हाइपर में सिर्फ एक अपने को याद रखते हैं। हाइपो की सिंपल सी ट्रिक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, GMC, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी गोइटर मिक्स एडिमा क्रिटिनिज्म, ठीक है। ये अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़, और हाइपर की क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। देखो अब इनमें क्या क्या होता है, इसको याद रखने के लिए मैं सिंपल सी फंडा बताता हूँ। देखो जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, हाइपो उसका क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है, वो मोटा होता जाता है, और जिसको हाइपर होता है ना, हाइपर हाइपर वाला पतला होता जाता है ना, उसका वजन कम होता है, ठीक है। ये अपने को एक बेसिक सा फंडा याद रखना है। अब यहाँ पे क्रिटिनिज्म के बारे में NCERT में थोड़ा दिया हुआ है कि क्या क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, लो इंटेलिजेंस होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, अब नॉर्मल स्किन हो जाएगी, ठीक है। ये अपने को इसका याद रखना है। और गोइटर के बारे में, ये एक्सोप्थेल्मिक गोइटर यानी ग्रेव, इसके बारे में NCERT में दिया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या है कि थायरॉयड के हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। अब थायरॉयड के हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होंगे तो जाहिर सी बात है थायरॉयड ग्लैंड का साइज क्या हो रहा है, बढ़ गया है ना, ग्लैंड बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा हार्मोन निकालेगा, एनलार्जमेंट ऑफ है ना, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड हो जाएगी हाइपर में, है ना, हाइपर में। और क्या होगा, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स। देखो मैंने क्या बोला था, बिल्कुल इंसान है ना बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, और बिल्कुल पतला इंसान हो जाएगा तो उसकी आंखें जैसे बाहर आ जाएंगे ना, बाहर आ जाएंगी, और वो मुर्दे जैसा लगता है, वो मुर्दे जैसा लगता है, इसीलिए ग्रेव यानी कब्र है ना, बोलते हैं कब्र, बोलते हैं ना कब्रिस्तान में कब्र, इसीलिए इसको ग्रेव डिसीज का नाम दिया गया कि ये मुर्दे जैसा लगता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। इसका क्या है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वेट लॉस पतला हो जाता है, सिंपल सी बात है। देखो थायराइड का बेसिक फंक्शन ये होता है क्या, BMR को कंट्रोल करना। अब हाइपो में BMR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाइपर में BMR बढ़ जाएगा, है ना, वेट कम हो जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी और मुर्दे जैसा लगेगा, इसीलिए इसका नाम है ग्रेव डिजीज। एक्सोप्थेल्मिक, देखो एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब आंखें, बाहर आंखें, ठीक है। और इसमें इंसान क्या है, मोटा हो रहा है अपना, ठीक है। अब देखो थायरॉयड हॉर्मोन के फंक्शन NCERT में कैसे लिखे हैं, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो हमने कर दिया, BMR का रेगुलेशन करेगा। और क्या क्या, देखो अपने को BMR तो याद रह जाएगा बट ये हम भूल जाएंगे, और ये NCERT में लिखे हुए हैं ये पक्का हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखने, क्या क्या करेगा, RBC प्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और क्या है, और देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोलने जा रहा हूँ कि थायरॉयड से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरो मतलब थायरॉयड से निकला, कैल्सी मतलब ये कैल्शियम का लेना देना है, है ना, ये क्या करेगा, रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। आगे भी कैल्शियम का लेना देना आएगा किसमें, पैराथायरॉयड ग्लैंड में, ठीक है। अब समझ लेंगे, देखो चार ग्लैंड होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने होते हैं, चार होते हैं, कहाँ पे, ऑन दी बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, देखो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथार्मोन बोल लो या पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका फंक्शन क्या है, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज कर देता है। देखो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देगा, है ना, ब्लड में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लड में इंक्रीज कर देगा, है ना, यानी ये हाइपरकैल्शियमिक हार्मोन है। अब सिंपल सी बात है, ब्लड में वो कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है कहीं से तो ये कैल्शियम आया होगा, है ना, तभी तो ब्लड में इंक्रीज हुआ, कहीं से तो ये कैल्शियम आया होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ये कैल्शियम कहाँ से आया, जो कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से आया, है ना, या तो बोन डिसोल्यूशन, या तो बोन को वो गला देगा, है ना, बोन में क्या होता है, कैल्शियम ही तो होता है,
तो बोन्स से आएगा, या तो बोन अपनी गलने लग जाएंगी, डिजोल्व होने लग जाएंगी, वहां से आया या कहां से आएगा, यह कहां एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड रीनल ट्यूबुल। देखो अपना यूरिन फॉर्मेशन में हमने किया था ना कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है ना, वहां से जो रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो कैल्शियम की क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या है, इंक्रीज अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेशन ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन में जो अपनी अब्सॉर्प्शन होती है उससे क्या है, कैल्शियम को ज्यादा अब्सॉर्ब किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, किसी तरह किसी भी तरीके से तीनों तरीके क्या इशारा कर रहे हैं कि अपने को ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है ना, जो भी पॉसिबल हम कैल्शियम जहां से भी बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा लिया, ठीक है। बोन से ले लिया हमने, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पार्ट से निकाल लिया हमने, डाइजेस्टिव पार्ट से निकाल लिया, तो ये है, ठीक है। अब कैल्शियम बैलेंस के अपने पास दो हार्मोन हो गए, एक तो पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड क्या करता है, देखो यहां पे भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर ये आ जाए कौन सा हार्मोन कैल्शियम को इंक्रीज करेगा तो आंसर जाएगा आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये क्वेश्चन आ जाए कौन सा हार्मोन कैल्शियम को डिक्रीज करेगा तो आंसर जाएगा अपना कौन सा, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन आपका आंसर जाएगा, ठीक है। ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और पैराथायरॉइड इंक्रीज करेगा, तो दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, कैल्शियम का बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब थायरॉइड ग्लैंड अपना कंप्लीट है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, पीनियल ग्लैंड पे, ठीक है। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पे बताई गई है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि सिक्रीट ए हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। अब मिलेटोनिन का फंक्शन क्या है, 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल या बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना है 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी कौन बनाता है, पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये तो अपने को याद रह जाएंगे, बट ये हम भूल जाएंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में, 24 आवर रिदम सबको याद रह जाता है, बट ये हम भूल जाते हैं कि पीनियल ग्लैंड के एनसीईआरटी में और भी फंक्शन लिखे हुए हैं, कौन से, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और क्या है, डिफेंस। ये पिगमेंटेशन दो बार लिख दिया, पता ही नहीं मैंने कब लिख दिया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और डिफेंस यानी इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना ग्लैंड है थाइमस, ठीक है। देखो थाइमस की सबसे पहले लोकेशन कहां, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, लंग्स के बीच में और कहां, स्टर्नम के पीछे। अब थाइमस का फंक्शन क्या होता है, इम्यून सिस्टम। देखो सिंपल सी बात है, थाइमस देखो हमने पढ़ा है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये थाइमस क्या होता है, वहीं से वही वर्ड है, ये क्या होता है, ये लिम्फोइड ऑर्गन होता है, मतलब सिंपल सी बात है, अपने को याद आ जाएगा कि इम्यूनिटी में इसका रोल है। अब इसको हार्मोन को क्या बोलते हैं, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। देखो ग्लैंड का नाम थाइमस, उसका हार्मोन क्या हो गया, थाइमोसिन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि थाइमस जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आता है या ह्यूमरल में काम आता है, तो उसका आंसर होगा दोनों, दोनों में काम आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेल मीडिएटेड में इसका रोल है या ह्यूमरल में है, तो आंसर है दोनों। सेल मीडिएटेड में क्या करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और ह्यूमरल में क्या करेगा, देखो ह्यूमरल में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये प्रमोट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना ग्लैंड है कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड। देखो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, और इसीलिए इसको बोल देते हैं हम सुपरा रीनल ग्लैंड। देखो सुपरा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो कौन सा हो गया, सुपरा रीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड। देखो अब एड्रीनल ग्लैंड को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन, एक तो हो गया कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा, और मेड्यूला जो अंदर वाला, है ना, ये तो एक यूनिवर्सल सी चीज़ है, जो कि कॉर्टेक्स होता है हमेशा बाहर वाला पार्ट होता है, और मेड्यूला जो होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो कॉर्टेक्स है वो एड्रीनल ग्लैंड का 80-90% पोर्शन बनाता है, और मेड्यूला कितना, 10-20% पोर्शन बनाता है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, बहुत ज़रूरी है, जो कॉर्टेक्स होता है ना, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और मेड्यूला कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से करते हैं, कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एड्रीनल कॉर्टेक्स, देखो हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स को तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। आउटर कौन सा है, जोना, आउटर कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल कौन सा है, जोना फैसिकुलेटा, और इनर कौन सा है, जोना रेटिकुलरिस। अब ये इनके क्या है, हार्मोन है, ये इनके हार्मोन है कौन से, ग्लोमेरुलोसा का कौन सा है, मिलरेलोकोर्टिकोइड्स, फैसिकुलेटा का है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और रेटिकुलरिस का है गोनेडोकोर्टिकोइड, ठीक है।
अब यहाँ पे इनको याद रखने की आपको एक सिंपल सी साधारण सी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो मयंक गांधी एम जी है ना, मयंक गांधी की जी एफ यानी गर्लफ्रेंड, मयंक गांधी की जी एफ कैसी है, गोरी है, जी ओ यानी गोनेडोकोर्टिकोइड्स, री मतलब रेटिकुलर गोरी, ठीक है। देखो मयंक गांधी की जी एफ कैसी है, गोरी है, ये इनकी सिंपल सी ट्रिक है। अब बारी बारी से बात करेंगे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और इसके बारे में। देखो गोनेडोकोर्टिकोइड्स को यहाँ पे आप स्किप कर दो, स्किप कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो इनको यहां स्किप कर दो। हम यहां ये दो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। देखो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स में जो हार्मोन है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे मेन हार्मोन है, वो कौन सा है, एल्डोस्टीरोन है, एल्डोस्टीरोन, ठीक है। अब ये काम कहां करता है, मेनली एट कहां करेगा, कहां काम करेगा, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट है ना, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा, और यहां पे क्या करवाएगा, ये सॉल्ट एंड वाटर की अब्सॉर्प्शन कराएगा, और एक्सक्रीशन किसकी कराएगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की, ठीक है। याद रखेंगे एल्डोस्टीरोन कहां पे काम करेगा, डीसीटी एंड सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, वाटर एंड सॉल्ट की क्या कराएगा, अब्सॉर्प्शन कराएगा, और एक्सक्रीशन बाहर किसको रिमूव करेगा, निकालेगा किसको, पोटेशियम आयन को और फॉस्फेट आयन को। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सॉल्ट की क्या करा रहा है, अब्सॉर्प्शन करा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट रिटेन हार्मोन, मतलब बॉडी के अंदर सोल्ट को ये रिटेन कर रहा है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिजोल। मेन हार्मोन क्या होता है, कोर्टिजोल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। देखो कोर्टिसोल से बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, मैं आपको काउंट करवा दूंगा कौन से। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की मेटाबोलिज्म, ये आपको इस तरीके से याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की मेटाबोलिज्म, ये इसका फंक्शन है। देखो अब सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। देखो ऐसे याद रखना, सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना, बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। अब बड़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब पॉलीसेकेराइड जब टूटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलेस्ट पार्ट में, मोनोसेकेराइड्स में जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। कि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, कुल मिला के ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड को हम तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली किस में टूटेंगे, ग्लूकोज यानी मोनोसेकेराइड में वो टूटने वाले हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो सिंपल सी बात है, ये ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसिमिक मतलब ग्लूकोज की मात्रा को ये ब्लड में बढ़ा रहा है, ठीक है। अब फैट पे आ जाओ, मैंने क्या बोला था, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ता है, पॉलीसेकेराइड को इसने तोड़ा और फैट को भी ये तोड़ देगा। अब फैट यानी लिपिड्स को तोड़ना मतलब लाइपोलिसिस, लाइपो मतलब लिपिड और लिसिस मतलब तोड़ना, प्रोटीन के भी सेम है, बिल्कुल प्रोटीन है उनको तोड़ देगा। देखो प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिसिस मतलब तोड़ देगा, है ना, तीनों को क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है, ठीक है। अब याद रखने लायक बात मैं फिर से बता दूं, याद रखने लायक बात क्या है, देखो फैट और प्रोटीन का आपको याद रह जाएगा, बस कार्बोहाइड्रेट में ये याद रखना है कि बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के या क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज क्या है, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन है, ठीक है। और क्या है दूसरी बात, यहां पे लाइफ सेविंग हार्मोन किसको बोलते हैं, हम कोर्टिसोल को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका और भी फंक्शन, ये फंक्शन आपको याद रखने हैं, वो तो याद रह जाएंगे, ये आपको भूलने वाले हैं पक्का, ये अपने को याद रखने। इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री से आएगा कोर्टिजोल, के से आया ये किडनी फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करेगा, और क्या है, बी फॉर ब्लड याद रख लेना, ठीक है, बी फॉर बुक से ये ब्लड याद रख लेना, मतलब ब्लड के अंदर ये चीज़ें होने वाली है, उनमें भी कोर्टिजोल का बहुत अच्छा रोल होता है। कहाँ का, आरबीसी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में इसका रोल होता है, इम्यूनोसप्रेसिव मतलब डब्ल्यूबीसी पे भी ये काम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी, मतलब सारा ब्लड के रिलेटेड ही काम आ रहा है। केमिस्ट्री की बुक है ना, केमिस्ट्री, सी से कोर्टिजोल, के से किडनी, ये ब्लड में अपना आ गया, आरबीसी आ गई, ये कार्डियोवैस्कुलर भी ब्लड के रिलेटेड आ गया, और ये भी अपना क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड आ चुका है, ठीक है।
अब हम करने वाले हैं पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास देखो सिंपल है, पैंक्रियास को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। पैंक्रियास में क्या होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो टोटल पैंक्रियास का सिर्फ 1-2% ही होता है, और एक्सोक्राइन पार्ट मैक्सिमम होता है 98-99%। अब ये तो हम वहां पे पढ़ते हैं डाइजेशन में, जो भी अपनी पैंक्रियाटिक जूस होता है वो वाला पढ़ते हैं उसमें डाइजेशन में। और एंडोक्राइन पार्ट जो है, एंडोक्राइन पार्ट किससे मिलकर बना है, स्लेट्स ऑफ लैंगर हंस से मिलकर बना है। एंडोक्राइन पार्ट में 1-2 मिलियन 1-2 मिलियन क्या होते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगर हंस, यही मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, अब स्लेट्स ऑफ लैंगर हंस में दो टाइप की सेल्स अपने पास प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हार्मोन रिलीज करेंगी उसका नाम होगा ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स जो हार्मोन रिलीज करेंगी उसका नाम होगा इंसुलिन। अब देखो हमने यहाँ पे दो हॉर्मोन्स की बात की, एक ग्लूकागोन एक इंसुलिन। ठीक है, इनको बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है कौन, ग्लूकागोन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन। मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ग्लूकोज को इनक्रीज यानी बढ़ा रहा है कौन, ग्लूकागोन, और ग्लूकोज को कम कर रहा है कौन, इंसुलिन। तो ग्लूकागोन कैसा हार्मोन हो गया, हाइपरग्लाइसिमिक, हाइपरग्लाइसिमिक यानी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और इंसुलिन कैसा हो जाएगा, हाइपोग्लाइसिमिक यानी ग्लूकोज को कम कर रहा है। ठीक है, सारी टेक्निकल चीजें कवर करेंगे। और दूसरी बात देखो, ग्लूकोज को कौन बना रहा है, ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, पहली बात। ठीक है, और क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, मतलब ग्लाइकोजन की लिसिस कर रहा है, तो क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ये बिल्कुल टेक्निकल चीजें जो अपने आप कवर हो रही है। और इंसुलिन क्या कर रहा है, देखो इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, सारी टेक्निकल चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोल दूं अपने बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, देखो ग्लूकागोन और इंसुलिन क्या है, इन दोनों के बीच बैलेंस बना रहा है, बट अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, ये ग्लूकोज अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना, इसको ये कम कर रहा था तो कम नहीं कर पाएगा क्योंकि कमी होगी इसकी, है ना, ग्लूकोज अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा, मतलब कैसी कंडीशन हो जाएंगी, हाइपरग्लाइसिमिक, अपने ब्लड में क्या है, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस याद करो क्या थी, एडीएच वैसोप्रेसिन के रिलेटेड थी, ये है डायबिटीज मिलाइटस। इसमें ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब ब्लड में इतना ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो यूरिन में भी पास आउट होगा ना, इतना ज्यादा हो गया, और क्या है, कीटोन बॉडी की भी फॉर्मेशन हो जाती है। डायबिटीज मिलाइटस में हमने क्या याद रखना, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो गई, ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होगी। और इसका इलाज कैसे करते हैं, देखो इंसुलिन की कमी है तो सिंपल क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे। अब देखो टेस्टिस और ओवरी, इनके हॉर्मोन्स का यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अपना अच्छे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर होगा, वहां पे मजा आएगा इनको पढ़ने में। ठीक है, अब देखो अपने ग्लैंड्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब हम करने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग जो चीज़ें हैं, अलग जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले है किडनी। देखो किडनी के अंदर होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, किडनी के अंदर हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन ये रिलीज करेंगी, और एरिथ्रोपोएटिन क्या करवाएगा, नाम से ही पता लग रहा है, एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन, ये अपना किडनी का, से ज्यादा आपको याद ही नहीं रखना। नेक्स्ट है हार्ट। देखो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट में जो एट्रिया होता है, एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं, वो एक हार्मोन को सिक्रेट करती हैं जिसका नाम है एएनएफ यानी एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, नेट्री, नेट्री किसे आया, नेट्रियम, देखो एनए किसका सिंबल होता है, सोडियम का, नेट्रियम, तो यह आया नेट्रियम, यूरेटिक मतलब यूरिन में, मतलब ये क्या करेगा, यूरिन के अंदर नेट्रियम को बढ़ा देगा यानी यूरिन के अंदर सोडियम को बढ़ा देगा। अब यूरिन में सोडियम को बढ़ाएगा मतलब बॉडी में घटा देगा, अब बॉडी में जब सोडियम यानी सॉल्ट्स घटेंगे तो बॉडी में पानी भी घटेगा, बॉडी में पानी घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या है, घट जाएगा। ठीक है, अब ये है जीआईटी हॉर्मोन्स, जीआईटी हॉर्मोन्स यानी गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल ट्रैक हॉर्मोन। ठीक है, अब इसमें कौन से 4 अपने को हॉर्मोन याद रखने, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसी के यानी कोलिस
सिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिन क्या करेगा, नाम से पता लग रहा है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रो वर्ड किससे यूज होता है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, स्टमक के रिलेटेड होता है, और स्टमक में अपने कौन से एंजाइम होते हैं, HCL होता है, पेप्सिनोजन होता है ना, तो सिंपल सी बात है ये क्या करेगा स्टमक पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ स्टमक के जो भी हार्मोन है, गैस्ट्रिक जो हार्मोन है HCL, पेप्सिनोजन, उनकी स्टिमुलेशन, उनकी सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दो हार्मोन देखो, सिक्रीटिन और CCK यानी कोलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। देखो सिक्रीटिन और कोलीसिस्टोकाइनिन ऐसे याद रखना, दोनों किस पे, पैनक्रियाज पे एक्ट करेंगे, वैसे ये गोल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है पर पैनक्रियाज वाला याद रखना, दोनों किस पे एक्ट करेंगे, पैनक्रियाज पे एक्ट करेंगे, और सिक्रीटिन क्या कराएगा, पैनक्रियाज से वाटर और बायकार्बोनेट की सिक्रीशन कराएगा, और कोलीसिस्टोकाइनिन क्या कराएगा, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस की क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा, और कोलीसिस्टो में गोल ब्लैडर भी आता है, तो गोल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस होता है, तो उसकी सिक्रीशन कराता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ठीक है। ये क्या है, देखो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, है ना, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, कुल मिलाकर इतनी सी सिंपल सी बातें थी। अब देखो हम हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। देखो हॉर्मोन्स यहाँ पे अपने पास दो टाइप के हैं, एक होंगे अपने फैट सोल्यूबल और एक होंगे बिना फैट सोल्यूबल, ऐसे याद रख लो, एक फैट सोल्यूबल एक बिना फैट सोल्यूबल। अब सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि जो अपनी ये फॉस्फोलिपिड की जो बायलेयर होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी होती है, किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है, तो सिंपल सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिपिड की बनी हुई है तो जो फैट सोल्यूबल हॉर्मोन होंगे वो डायरेक्ट अंदर एंट्री मार जाएंगे, बट जो फैट सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, डायरेक्ट अंदर एंट्री नहीं मार सकते। तो बारी बारी से बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जो हार्मोन फैट सोल्यूबल नहीं है, है ना, या बोल लो कि प्रोटीन हार्मोन उनको बोल लो, है ना, जैसे कि FSH, अब ये डायरेक्ट अंदर एंट्री तो मार नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, अपना एक तरीके से वो होता है ना डाकिया, एक पोस्टमैन को भेजेंगे, है ना, पोस्टमैन क्या है अपना, सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हार्मोन आया मेम्ब्रेन पे, रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी मैसेंजर की, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा हो सकता है, साइक्लिक AMP हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, और ये आगे जाके अपना फिर जो भी हार्मोन आया था जिस भी काम के लिए वो आगे बॉडी में अपना रिस्पांस आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम फैट सोल्यूबल हार्मोन की, फैट सोल्यूबल क्या है, अंदर घुस जाएगा, है ना, ये हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, फैट सोल्यूबल है ना, लिपिड हार्मोन है, ये क्या है मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर घुस गया, और आगे अंदर क्या था, इसका हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट था, अब ये रिसेप्टर पे बाइंड करके क्या बना देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बॉडी के जीनोम, है ना, जो DNA है अपना, जो भी है मतलब अपना जीनोमिक, आप समझ गए ना, जीनोम के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इसके साथ इंटरेक्ट करके जो भी इस हार्मोन का फंक्शन है, जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का जो भी फंक्शन है वो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। उनसे हार्मोन का कैसा नेचर है, देखो जो NCERT में कॉपी पेस्ट उसी को याद करवाऊंगा, साथ में ये वाला पेज NCERT का खोल के बैठते हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहली ट्रिक, pH को इक्वल रखना है pH के, pH को इक्वल करना है pH के, यहां पे देखो pH से क्या है, पी पेप्टाइड, पी पॉलीपेप्टाइड, पी प्रोटीन, एच से हार्मोन, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, और इधर इक्वल है pH के, इधर पी से क्या है पैंक्रियाटिक एंड पिट्यूटरी, पैंक्रियाटिक में कौन से आ जाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, है ना, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इधर कौन से आ जाएंगे, एच से हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन कौन से हो गए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, पहली ट्रिक कवर। सेकेंड देखो स्टीरोइड्स कौन से हैं, देखो स्टीरोइड्स जब हमें वर्ड सुनने को मिलता है तो ऐसा नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, स्टीरोइड जब हम सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि ओल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ओल, ओन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ओल, तो स्टीरोइड वर्ड सुनते ही याद आएगा कि जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो जिस भी हार्मोन के नाम के पीछे फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट हो जाए तो वो डाल दो स्टीरोइड में, जैसे ये कोर्टिजोल, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है। नेक्स्ट आयोडोथायरोनिन, देखो आयोडो, आयोडीन आ गया, थायरो आ गया, तो ये थायरॉइड हार्मोन ऑटोमेटिकली हो गया।
लास्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इसमें देखो ए की प्रधानता है, ए ए ए है ना, ए से ए मैच कराना है, ए ए ए अमीनो एसिड हो गया एड्रीनालिन। थैंक यू।